तीन दिवसीय पराक्रम पर्व का रविवार रात समापन हो गया। तीसरे और आखिरी दिन इंडिया गेट, राजपथ और सशस्त्र सेनाओं के बलिदान, साहस और शौर्य को सलाम करने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। इसका आयोजन सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर राजधानी दिल्ली समेत देश के 50 से ज्यादा शहरों में किया गया था। पराक्रम पर्व में न सिर्फ सेना की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले अत्याधुनिक हथियारों को प्रदर्शित किया गया, बल्कि सेना के जवानों की दिनचर्या, उनके कपड़े और लड़ाई के दौरान इस्तेमाल होने वाली खाने पीने की वस्तुओं को भी प्रदर्शनी में रखकर जवानों के संघर्षपूर्ण जीवन से आम लोगों को रूबरू कराया गया। काफ़ी अच्छा प्रयास है सरकार का आर्मी को और हमारे डिफेंस फोर्सेज को समाज के बीच में लाने का। एक ऐसा समय जब व्हाट्सएप पे और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पे सरकार देश को तोड़ने की बातें बढ़ रही हैं, वैसे में पब्लिक के बीच में ऐसे महोत्सव का आयोजन करना बहुत आवश्यक है। हमारा देश पूरी तरह से महफूज है। एक ऐसे कंधे पे हमारा देश की पूरी जिम्मेदारी है जहाँ पे हम किसी तरह की कोई भी चिंता नहीं कर सकते हैं। और एज ए इंडियन हमारे लिए गर्व की महसूस है कि हम दूसरे के सरहद में जाके भी हम अपने देश के लिए बदला ले सकते हैं। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। हम अपने बेटे के साथ यहाँ आए हैं, उसको ये सब चीज़ दिखाने के लिए कि जो आर्मी है, जो नेवी है, वो हमारे देश के लिए क्या कर रही है। पराक्रम पर्व में शहीद जवानों की तस्वीरें उनकी वीर गाथा के साथ प्रदर्शित की गईं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की पेशकश ने माहौल में जोश पैदा कर दिया। मैं समझता हूं कि मैं सिर्फ राष्ट्र नीति और सैन्य नीति देखता हूं। एक राष्ट्र जिसने उरी हमले का बदला लिया और अपने जो 19 सिपाही हैं जिन्होंने शहादत दी उसका बदला लिया और जनता में, सेना में एक विश्वास कायम किया, उससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती थी। तीन दिन तक चले पराक्रम पर्व की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी। सेना के जवानों को समर्पित ये पर्व देश के 50 से ज्यादा शहरों में मनाया गया। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी।